गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप यू आर वेल टूडे आई एम गोइंग टू टीच ईवीएस सब्जेक्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ईवीएस दिस इज द वर्ड मीनिंग शांत या चुप स्पेशल विशेष या खास क्वालिटी गुण एप्रिसिएट प्रशंसा करना यूनिकनेस विशिष्टता इनकरेजमेंट प्रोत्साहन नेबरहुड पड़ोस एक्सप्रेस प्रकट करना कड़ल गले लगाया इंडिविजुअल व्यक्ति सिबलिंग सहोदर भाई या बहन इन्वायरमेंट वातावरण या परिवेश ऑफ प्राय या अक्सर रीजन क्षेत्र एक्सटेंड हद या सीमा एंड आई एम गोइंग टू द चैप्टर दिस इज द द दिस इज नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक्स एप्रिस फैमिली मेंबर्स परिवार के सदस्य का प्रशंसा करना ऑल फैमिली अ फैमिली आर डिफरेंट फ्रॉम इच अदर हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं फॉर एग्जाम्पल्स ए मेंबर ऑफ योर फैमिली में भी सॉफ्ट स्पोकन एंड क्वाइट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मृदु होते हैं और शांत प्रवृत्ति के होते हैं जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो, जो जोर से बोलते हैं ऑल्सो एवरी वन इन द फैमिली हैज सम स्पेशल क्वालिटी हमारे परिवार में जितने लोग होते हैं जितने भी सदस्य हैं सबके अपनी अपनी विशेष गुण होते हैं फॉर एग्जाम्पल सम वन मेंव अ गुड हैंडराइटिंग उदाहरण में देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे फैमिली में जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है वाइल द अदर मे वी गुड एट पेंटिंग एंड आर्ट कुछ ऐसे होते हैं जिनका पेंटिंग और आर्ट में ज्यादा रुचि होता है एंड आदर्स में भी गुड एट डांसिंग कुछ ऐसे होते हैं जिनको डांसिंग में एक्टिंग में और कुकिंग में ज्यादा रुचि होता है वो अच्छे होते हैं वी मस्ट ऑलवेज अप्रिसिएट द यूनिकनेस एंड गुड क्वालिटीज ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स हमें अवश्य अपने परिवार के सदस्य की अच्छी आदतों का प्रशंसा करना चाहिए इट गिफ्ट देम द इनकरेजमेंट टू डू बेटर इन लाइफ उनको अपने लाइफ में अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है टाइम टू आंसर देखेंगे हम यहाँ पे स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स फर्स्ट है ऑल फैमिली मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दिस इज ट्रू वी मस्ट नॉट एप्रिसिएट द गुड क्वालिटीज ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स दिस इज फॉल्स एवरी चाइल्ड ऑफ अ फैमिली हैज द सेम हैंड राइटिंग फॉल्स नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जर्विंग इन्फेंट्स तो शिशु का अवलोकन करना यू मस्ट हैव ऑब्जर्व स्मॉल स्मॉल फैमिली फैमिली सॉरी बेबी इन योर और नेबरहुड आप अवश्य देखते होंगे अपने परिवार में या फिर अपने आस पड़ोस में एक छोटे से बच्चे को ए बेबी कीप्स क्राइंग मोस्ट ऑफ द टाइम जाए समय पर बच्चे रोते रहते हैं डू यू नो हाई बच्चे क्यों रोते हैं इट इज बिकॉज दे कैन नॉट टॉक एंड एक्सप्रेस देमसेस एज वी डू जैसे हम लोग अपने बातों को कह सकते हैं व्यक्त कर सकते हैं लेकिन वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो रो के अपने बातों को एक्सप्रेस करते हैं अंडरस्टैंड वेदर द बेबी इज क्राइंग बिकॉज ऑफ हंगर पेन और वांट्स टू बी कडल्ड सिर्फ माता पिता ही होते हैं जो बच्चे की फीलिंग्स को समझते हैं कि बच्चा भूखा है या बच्चे को तकलीफ है या फिर बच्चे को गले लगाना है ये, ये सब फीलिंग सिर्फ माता पिता ही समझते हैं उनके बेबीज एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस बाय लाफिंग बच्चे जब बच्चे जब ज्यादा खुश होते हैं तो अपने खुशी को हंस के व्यक्त करते हैं नेक्स्ट है टाइम टू एंसर्स फिलिंग टू कम्प्लीट दैराग्राफ बेबीज की टॉक एंड एक्सप्रेस वनली डेस्ट कैन अंडरस्टैंड whether the baby is क्राइंग बिकॉज of hunger or pain यहा पेरेंट बढ़ेंगे और यहाँ पे टॉक एंड एक्सप्रेस भरेंगे नेक्स्ट पेज में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक से हमारा आवर लाइक्स एंड डिसलाइक हमारा पसंद और नापसंद एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक प्रत्येक व्यक्ति के अपने पसंद और नापसंद होती है सबकी पसंद और नापसंद अलग अलग होती है योर सिबलिंग्स में लाइक टू ईट इंडियन फूड वाइल यू मे लाइक टू ईट चाइनीज अपने सहोदर भाई बहन को ही देखेंगे कि कुछ कि, आ, कुछ लोग को कुछ बच्चे को मतलब कुछ लोग भारतीय भोजन करना पसंद करते हैं कुछ को चाइनीज पसंद होता है योर फ्रेंड मे लाइक टू ईट चॉकलेट आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको चॉकलेट पसंद होता है बट यू मे लाइक टू ईट आइसक्रीम लेकिन आपको आइसक्रीम पसंद आता है आवर लाइक्स एंड डिसमेंट एंड द पीपुल्स सराउंडिंग इज आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स हमारा पसंद और नापसंद आ, बहुत मायने रखता है हमारे परिवेश में हमारा जो वातावरण चाहे वहाँ के लोग जो हमारे आस पास के लोग हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम किस वातावरण में रहते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा पसंद और नापसंद होता है डेट इज आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स जो हमारे परिवार के भी लोग होते हैं और वो दोस्त भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल आवर फूड हैबिट्स आर आवर फैमिली एंड द रीजन वी लिव इन हमारे उदाहरण में देखेंगे कि हमारे जो भोजन की आदतें होती है वो लगभग हमारे परिवार से परिवार के सदस्य से और क्षेत्र से भी बिलोंग करता है जहाँ पे हम रहते हैं जिस इलाके में हम रहेंगे जिस जिस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं वाइल्ड अदर्स आर नॉन वेजिटेरियन कुछ ऐसे होते जो मांसाहारी होते हैं सम पीपुल लाइक द स्मेल ऑफ फीस मस्टर्ड ऑयल गार्लिक एग्स एंड लव टू ईट देम कुछ ऐसे uh, लोग होते हैं जिनको मछली का सुगंध ये सरसों के तेल का स्मेल और ये लहसुन का जो सुगंध होता है और अंडा और ये सब खाना भी पसंद करते हैं वाइल्ड द अदर्स कुछ ऐसे होते हैं जो डू नॉट लाइक दैट स्मेल एंड डू नॉट इट देम उनको उनको स्मेल पसंद नहीं आता है ये सब चीज का और वो खाना भी पसंद नहीं करते हैं नेक्स्ट है हमारा टाइम टू आंसर स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फर्स्ट द फर्स्ट है एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स तो सही है प्रत्येक व्यक्ति का अपनी पसंद और नापसंद होती है तो यहाँ ट्रू भरेंगे आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स डू नॉट डिपेंड ऑन आवर इन्वायरमेंट तो हमारा जो पसंद और नापसंद होता है वो कर रहा है कि वातावरण से डिपेंड नहीं करता है तो ये गलत है यहाँ फल्स होगा आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली इन्फ्लुएंस आवर फूडेट्स तो ये ट्रू होगा क्योंकि हमारा जो हमारा जो आदत होता है वो हमारे दोस्तों से और हमारे परिवार से बिलोंग करता है हमारी जो आदत होती है भोजन करने की तो यहाँ ट्रू होगा डेट्स ऑल थैंक यू